ये हम लोग एक जगह से गुजर रहे हैं और वहाँ बीच और उसके बच्चे हैं, तो हम गाड़ी रोकने की जगह नहीं, इसलिए हम लोग गाड़ी से उनको खाना फेंक रहे हैं। ये और ये पानी बह रहा होता है हर घर में, ये पानी के टैंक जब ओवर हो जाते हैं तो पानी बहना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी पाइपलाइन से जो पानी आ रहा है उसके नीचे आप बर्तन रख सकते हैं, और इसमें से कोई भी जानवर, स्ट्रेज या परिंदे वगैरह पानी पी सकते हैं। पानी वेस्ट होने से बच जाता है और बहुत सारे जानवरों का और मेज़बानों का पेट भी भर जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे स्ट्रेज आपके घर के अंदर आ जाते हैं। तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप उनको मार मार के घर से निकालें, ना वो कोई गंद नहीं फैलाते, कोई बीमारी नहीं फैलाते, कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ आ जाते तो आपका घर का पेट उनको देख रहा होता है, क्योंकि उसके लिए वो थोड़े से अजीब से होते हैं क्योंकि ये एसी में रहने का आदी होते हैं। तो आप प्लीज़ उनको मारे नहीं, कोई लेफ़्ट ओवर फूड अगर बचा हुआ है तो आप वो दे दें, उससे आपके घर में कोई खाने की कमी नहीं आ जाएगी, सिर्फ ये होएगा कि उनका पेट भर जाएगा। तो कोई नुकसान नहीं होएगा, उससे फ़ायदा ही होता है कि कोई आपको दुआ दे जाता है या कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। तो किसी मेज़बान का पेट भर जाए तो इससे क्या बुरी बात है। तो बेहतर ये है कि आप इनको मारे नहीं, आपके पेट के का कोई बचा हुआ लेफ़्ट ओवर फूड है वो भी आप दे सकते हैं इनको, और घर में आपका कोई बचा हुआ खाना है क्योंकि फ्रिज में कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होता है, आप वो दे सकते हैं, क्योंकि वो एसी के आदि तो नहीं होते और वो बाहर गर्मी के आदि होते हैं। वो खाना खाते हैं और उनकी नीड सिर्फ यही है कि उनका पेट भर जाए और वो फिर वापस चले जाते हैं। तो इसी तरह वो बैठी बाहर देख रही है कैटो कि ये अंदर सांप जी बड़े मज़े से घूम रहे हैं और मैं बाहर गर्मी में बैठी, लेकिन ऐसा ये फील नहीं करते और उनको अपनी लिमिट का पता है, वो अंदर आने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि वहीं रहते हैं। और फिर कभी आप बाहर जाते हैं तो बाहर काफ़ी गार्बेज के पास डॉगीज घूम रहे होते हैं, वो सिर्फ घूम इसलिए रहे होते हैं साइडों पे कि वो अपना खाना ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर कोई आपके पास फूड बचा हुआ होता है, कोई भी आप खाना खाने जाते हैं, तो वो आप उनको दे सकते हैं, और ये भी हेल्प का एक तरीका है, इसलिए हमने अपने पेज का नाम हेल्प फॉर हेल्पलेस रखा हुआ है। हेल्प उन लोगों की करनी जो हेल्पलेस है, ये लोग मेहनत मजदूरी तो कर नहीं सकते, सिर्फ इनकी यही ज़रूरत होती है कि इनका पेट भर जाए। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि देने वालों को वो ऊपर वाला रब देता है। तो आप प्लीज़, ये भी एक तरीका है हेल्प करने का। थैंक यू।